एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ क्लास की जो एक्सरसाइज 2.3 है, देखिए कैसे पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, जब इस पॉलिनोमियल को x + 1 से, x + 1/2 से, x से, x + π से, 5 + 2x से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर फाइंड कीजिए। मतलब 5 पार्ट्स इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हमें सब में अलग अलग पार्ट्स का रिमाइंडर फाइंड करना है। पहला पार्ट है x + 1, अब x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1। ये हम वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, x³ + 3x² + 3x + 1। अब जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, -1³ + 3 × -1² + 3 × -1 + 1। क्लियर, सॉल्व करेंगे। -1³ कितना होता है, ऑलवेज -1 प्लस 3 × -1² 1, 3 × 1 = 3, -3 + 1 -1 + 3 = 3, -3 + 1। देखिए +3 - 3 कैंसिल हो गया, +1 - 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। अगर हमने x + 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, x - 1/2 = 0, अब इसको रखें तो x² = 1/2, तो क्या हुआ, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे x³ + 3x² + 3x + 1, पुट करेंगे 1/2³ + 3 × 1/2² + 3 × 1/2 + 1। अब देखिए 1/2³ कितना होता है, 1/8 + 3 × 1/4 + 3 × 3.2 + 1। अब 1/8 + 3/4 + 3/2 + 1। क्लियर, अब लेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा 8 + 8 + 4 + 8 = 6 + 2 + 4 + 8 = 12 + 1 = 8, इट मींस 7 और 12 = 19 8 = 27 27 / 8। अगर हमने x - 1/2 से डिवाइड किया तो 27/8 निकला। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया आपको। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, x, सिर्फ x, तो x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए x³ + 3x² + 3x + 1, अब 0³ + 3 × 0² + 3 × 0 + 1। देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कितना आता है, सिर्फ 1। क्लियर, फोर्थ पार्ट देखिए, x + π = 0, तो x = -π, अब वैल्यू पुट कर दीजिए x³ + 3x² + 3x + 1, तो π - π³ + 3 × - π² + 3 × - π + 1। अब देखिए -π³ - π² + 3 × - π² = π², इट मीन्स 3π² -3π + 1। अब यहाँ एक भी नंबर लाइक नंबर नहीं है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, ये पाई है, ये वन है, तो ये इतना ही रिमाइंडर रहेगा। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए, लास्ट फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, 5 + 2x = 0, तो 2x = -5, x = -5/2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे किसमें, x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखिए ध्यान से बच्चों, -5.2³ + 3 × -5.2² + 3 × -5.2 + 1, क्या होगा, -125/8 + 3 ×
25 by 4 minus 15 upon 2 plus 1. क्या किया मैंने, इनका होल क्यूब खोल दिया, इनका स्टॉक खोल दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया. क्लियर? अब देखिए माइनस 125 अपॉन 8 एज इट इज प्लस 3 इंटू 25 75 बाई 4. क्लियर? माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1. अब यहां पे लेंगे एलसीएम, कितना है 8 माइनस के 125 प्लस 4 टू जा 8 275 150 माइनस 2 4 जा 8 54 60 प्लस 8. अब देखिए माइनस के 125 और 60 क्या है, माइनस के दोनों ही माइनस के दोनों क्या है प्लस, माइनस के 185. क्लियर? और प्लस के 150 और प्लस के 8 तो 158 अपॉन 8. अब माइनस के ज्यादा है तो माइनस में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 515 में से 8 माइनस करो 7 75 27 अपॉन 8. क्लियर? दैट्स इट. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर. इसमें फाइंड रिमाइंडर करना है अगर पॉलीनोमियल ये है और डिवाइड किससे होता है, x माइनस a से. अब देखिए x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a. ये वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ए सिक्स एक्स माइनस ए. अब देखिए ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए. अब ए क्यूब एज इट इज माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए. ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, सिक्स ए माइनस ए 5. क्लियर? ये रिमाइंडर है आपका. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है. इसमें पूछा है चेक वेदर, जांच कीजिए 7 प्लस 3x इज आ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल. 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है. मैं आपको इससे पहले बताया था फैक्टर जब कोई पॉलीनोमियल होता है तो अगर उसका डिवाइड करने से जीरो बचता है तो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर बचता है कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो फैक्टर नहीं है. अब यहाँ 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस के 7, देन x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3. ये वैल्यू हम पॉलीनोमियल में पुट करेंगे 3x क्यूब प्लस 7x में. अब देखिए 3 इंटू x की वैल्यू कितनी, माइनस 7 अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3. देखिए अच्छे से 3 इंटू 7 का होल क्यूब कितना होता है, माइनस 343 और 3 का कितना होता है 27. क्लियर? माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 3, 3 से 27 कैंसिल हो गया 39 जा. क्लियर? यहाँ लेंगे एलसीएम, 9 लेंगे एलसीएम तो माइनस 343 माइनस 33 या 9, 39 जा 27, 34 जा 12 40 माइनस के 147. इट मींस माइनस के ही दोनों हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, साइन आ रहा माइनस का. 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 3 1 4 490 अपॉन 9. क्लियर? लेकिन रिमाइंडर बचा, इट मींस ये इसका फैक्टर नहीं है. लेकिन नो, 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. अब पूछेगा क्यों, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर इज नॉट जीरो. क्लियर? हर बात आप हर चीज आपको आनी चाहिए. और ये जरूरी कि ये क्वेश्चन ही है, अगर आपको पूछेगा कि ये इसका फैक्टर है तो आपको ऐसे ही करना है. हो सकता है जीरो निकला है तो जीरो निकला है, हो सकता है तो लिखेंगे यस इट्स अ फैक्टर ऑफ दिस. तो आप कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें, कॉन्सेप्ट करने के बाद, ये नहीं कि वही क्वेश्चन आए, आप कोई भी क्वेश्चन करें. मेरा इस वीडियो को बनाने का पीछे यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे को वो चीज़ सिखाई जाए जो आप बिना बुक्स के भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप कर सकें, बता सकें. ओके? अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें.
जिससे मैं आपको और अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।